दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ शर्मनाक बयान बेहद ही निंदनीय एवं शर्मनाक रहा। इस बयान पर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि मेरे लिए प्रदेश भाजपा बंशीधर भगत ने जो भाषा प्रयोग की उससे मातृशक्ति का अपमान हुआ है और मन बहुत दुखी है। ये जानकारी मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे उससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है और उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा पूरी भारतीय संस्कृत में लिया जाता है। तो भारतीय संस्कृत का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए और बंशीधर भगत से इसका जवाब देना चाहिए। भाई बातें हैं, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भाषा तो सुधारे। भाषा जिनकी अशिष्ट होगी उनके पास तो नारियां जाने में भी परहेज करेंगी, घर की भी नारी नाराज रहेगी और बाहर की भी। इस तरह की भद्दी भाषा बोलने की अपेक्षा मैं पार्टी के नेतृत्व से कम नहीं करती हूँ और मेरी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको गंभीरता से लें और इसके लिए उन्हें माफी मांगने को कहें। दिल्ली दस्तक के लिए संजना सिंह के साथ नितेश शर्मा की यह रिपोर्ट।